हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं सिरसा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीना सेठी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जानकारी देते रीना सेठी को शुक्रवार को जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रीना सेठी ने सबसे पहले विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। नगर में सफाई कर्मियों की संख्या कम है जिससे सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में सबसे पहले 100 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस मौके पर एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा को उसकी छोटी सरकार मिल गई है जिसे 6 महीने का समय मिला है। इन 6 महीने में नगर में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने सी मनोहरलाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन पर जो भरोसा व्यक्त किया है उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सिरसा के विधायक श्री गोपाल कांडा जी व गोविंद कांडा जी का, जिन्होंने मुझे इस सीट पे आज विराजमान करवाया। 6 महीने का कार्यकाल रह गया है और उसके टाइम जो है टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, और मैं आप सबकी तरफ से सिरसा वासियों को एक विश्वास दिलाऊंगी कि समय बिल्कुल कम है लेकिन दिन रात मेहनत करूंगी और सिरसा को एक नया सिरसा बनाने की कोशिश करूंगी। गोपाल कांडा जी का एक ही नारा था, एक ही नारा है, 31 वार्ड 31 गांव अब उनके हैं और निष्पक्ष होकर उन सभी वार्डों की और उन सभी गांवों की ऐसे ही काम चलेंगे जैसे कि सब मेरे वार्ड हैं और मुझे 17 वोट आए हैं लेकिन मैं 31 वार्डों को अपना वार्ड समझती हूँ।